इस वक्त हम मौजूद है 31 विधानसभा चंदौसी के बिसोली गेट में। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग हमारे पीछे खड़े हैं जिनसे हम जानेंगे चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पवन कुमार। क्या माहौल है चुनाव का इस समय? बढ़िया माहौल। किसका चला है? सभी का चल। तो आप किसी के चेहरे पे वोट करेंगे या विकास पे? ये तो हमारा जब मत करेगा तब वो जानेंगे हम। मन में तो कुछ हो गया ना, किसको वोट करना है? अच्छा ये बताइए, आपके विधानसभा में विकास कार्य हुए? सब में विकास कार्य हुए और सबके कोड़े भर गए पूरे। मतलब सबकी बात कर रहे हैं आप, तो किसकी बात कर रहे हैं? अरे जो हमारी मंत्री जी की बात है ना कर रहे हैं हम। क्या किया उन्होंने? उन्होंने तो सड़कों का बुरा हाल हो गया है, सड़कें खराब हैं। सड़कें खराब हैं बिल्कुल। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मधुर सिंह आनिया। चाचा क्या माहौल है चुनाव का? बहुत बढ़िया, बीजेपी की सरकार आएगी और इसकी गुलाब देवी की सरकार बनेगी और सब वोट सही देंगे हम तो। अच्छा ये बताइए, इस बार आप जो वोट करेंगे वो किसी के चेहरे पे करेंगे या विकास पे? विकास कर रहा है, सब सफलता मिली है, सब बात की। 5 साल से बिजली मिली, जब से योगी सरकार आई है पूरी बिजली मिली है 2400 घंटे। सड़कें बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजीव सिंघानिया। आप दुकान चलाते हैं? हाँ जी। यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते होंगे? हाँ जी। आपकी बातचीत भी होती रहती है लोगों से, तो इस बार क्या माहौल है चुनाव का? इस बार सब विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं। विकास बहुत बढ़िया करा है, डबल राशन मिला है, मुरैना में बहुत बढ़िया काम करा है योगी जी ने। इतना बढ़िया काम करा है कि अगर कोई और सरकार होगी तो नहीं कर पाएगी। बात आप कर रहे हैं योगी जी की, हम बात कर रहे हैं आपसे आपकी विधानसभा की, आपके विधायक की, तो ये बताइए आपकी विधानसभा में विकास हुआ? विधानसभा में विकास हुआ है। ऐसी क्या विकास हुआ? काफी काम करे हैं। अच्छा जमीनी स्तर पर मैं बात करूँ आपसे, तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा मुद्दा यही है, एक तो हमारे यहाँ जो फ्री के जो दे रहे हैं ना लोग, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, वो बिजली नहीं देंगे। 300 यूनिट देंगे तो जाओ, वो 8 घंटे बिजली देंगे, 300 यूनिट ही नहीं मिलेगी। चलिए कुछ और लोगों में बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? अग्रवाल साहब, ये बताइए इस बार आप वोट करेंगे, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरे मुद्दे रहेंगे सबका विकास, योगी सरकार आएगी। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ इस बार नहीं, हर बार योगी सरकार आए। कि आप, मैं बात करूंगा आपसे आपकी विधानसभा के विकास की। देखिए हम लोग लगातार जनसंपर्क में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा लोगों की शिकायत सड़कों को लेकर रही है, सड़कों की हालत खराब है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? सड़कों की हालत खराब मैं मानता हूँ, लेकिन विकास हुआ है, उसमें कुछ विलम्ब हुआ है विकास के लिए। इसके लिए मैं उनके लिए कहता हूँ, गुलाब देवी जी के लिए थोड़ा सा उन्होंने ढीले ढीले काम करा है, उन्हें जरा तेजी रफ्तार से काम करना चाहिए। जो अब वो आगे चेती हालत रफ्तार में मानता हूँ, लेकिन विकास हुआ है, उसमें कुछ विलम्ब हुआ है विकास के लिए। इसके लिए मैं उनके लिए कहता हूँ, गुलाब देवी जी के लिए थोड़ा सा उन्होंने ढीले ढीले काम करा है, उन्हें जरा तेजी रफ्तार से काम करना चाहिए। जो अब वो आगे चेती है क्षेत्र में, जो आपके विधायक लोगों में नाराजगी नजर आ रही है, वो नाराजगी साहब नेता से रहती है, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी मन का काम तो हो नहीं सकता है। एक नेता है, एक अगर पिता है उसके 5 बेटे हैं, तो 5 बेटे कुछ तो हो नहीं सकते, अपने घर में ही नहीं हो सकते। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश जी। गुप्ता जी ये बताइए, इस बार आपके विधानसभा में किस तरह के विकास हुए और इस बार क्या मूड है जनता का और आपका क्या मूड है? मेरा मूड है कि बीजेपी आएगी, जो बनाएंगे माहौल से, तो इस बार जो आप वोट करेंगे तो किसी के चेहरे पर करेंगे या आप विकास पर करेंगे? योगी जी के चेहरे पर लगाएंगे, लोगों से बात करूँगा। क्या नाम है? जगदीश जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा विकास पर, और आप जनता का पूरे जनता की सोच आ रही है इस बार सरकार, और हमारा ये है कि जूनागति खत्म हुई है और जुड़ा है, साक्षात राशन भी मिल रहा है। देखिए आयुष्मान कार्ड भी मोदी जी बना रहे हैं, लगी है कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा इस बार अगर आपकी सरकार बनती है और आपका विधायक चुना जाता है, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे चंदौसी में, किस तरह का विकास आप चाहते हैं? सब अच्छा होगा विकास, देखिए 2-3 साल से पुराना चल रहा है, तो पुराना में क्या विकास हो जाएगा? हमारे चेयरमैन से लेकर विधायक से लेकर के मेंबर से क्या करेंगे? घर से निकलना भी दुर्मिल था, और अच्छा हो रहा है, जलवायु का कार्य हो रहा है, टंकियाँ लग रही तो सड़क तो टूटेगी। सर जहाँ पे आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप 5 साल पहले लेते तो जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ती, इन्वर्टर लगाना पड़ता, 24 घंटे बिजली आ रही है, इससे बड़ी बात यूपी के लिए क्या हो सकती है? और 500 साल से पड़ा हुआ अयोध्या में राम मंदिर जो लंबित था, राम मंदिर बन गया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे लिए बीजेपी को वोट देने के लिए इतना ही काफी है। लेकिन मैं बात करूंगा आपकी विधानसभा विकास की, तो विकास
किस तरह के विकास आपके यहाँ हुए? चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, आप इधर भी चले जाइए, आपके पेट का पानी नहीं हिला गाड़ी। विधानसभा में सिटी के अंदर की सड़कों की बात, अंदर की सड़कें तो देखिए नगर पालिका का मैटर होता है, विधानसभा का मैटर होता है। कैसी सड़कें बन भी रही है और भी काम भी हो रहे हैं, पाइप पड़ रहे हैं, ये सड़कें खोदती हैं दोबारा रिपेयर हो जाती है, ये तो एक कॉमन सी बात। चलिए मैं और कुछ लोगों से जानना चाहूँगा, क्या मूड है इस बार जनता का विधानसभा? विधायक तो उनके पीछे है, विधायक का कोई महत्व नहीं है। देखिए आपका ज्यादातर वास्ता विधायक ही पड़ेगा और आप उनके चेहरे की बात नहीं कर रहे। मैं तो योगी और मोदी की बात, तो विधायक से कोई काम नहीं लेंगे आप? विधायक से कोई हर बार लखनऊ जाएंगे? आपके क्षेत्र में विकास की तो आपके यहाँ की सबसे बड़ी समस्या लोगों ने सड़कों की बताई है, क्या कहेंगे इसका? तो सड़कों की समस्या तो जहाँ तक है, ये सड़कें खुल गई हैं अमृत योजना की वजह से, खुलेंगे बराबर, खुलने के बाद दोबारा बनेंगे। तो ये हमारे साथ दिगतिस विधानसभा बिसोली गेट मोहल्ले के लोगों से हमने बात की है, कुछ व्यापारी भी थे, कुछ यहाँ के रहने वाले लोग थे, और उनको आपने सुना, उनकी समस्याओं को आपने जाना और सबकी बात को आपने सुनकर यहाँ का माहौल भी देखा। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं सरफराज अंसारी, जली टाइम संभल।